बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 30, सब्जेक्ट बायोलॉजी, क्लास 9th, चैप्टर नंबर 4, सेल्स एंड टिश्यूज। टुडे आवर टॉपिक इज राइबोसोम्स एंड साइटोस्केल्टन। आज हम राइबोसोम और साइटोस्केल्टन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट लेते हैं राइबोसोम्स से। राइबोसोम्स क्या हैं, इनको स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन है, बेसिकली राइबोसोम्स आर टाइनी ग्रैन्यूलर स्ट्रक्चर्स डेट आर आइदर फ्लोटिंग फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म और आर बॉन्डेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स टाइनी ग्रैन्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि फ्लोट करते हैं फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर सेल के या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड होते हैं। सो बेसिकली राइबोसोम्स आर दी स्ट्रक्चर, स्मॉल स्ट्रक्चर्स ग्रैन्यूल विच आर प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल और अटैच विद दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट अब देखते हैं कि हमारे पास बने किससे होते हैं, मेड अप ऑफ, बेसिकली इट इज़ मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन की इक्वल अमाउंट मिलके राइबोसोम बना रही होती है। राइबोसोम्स आर नॉट बॉन्डेड बाय मेम्ब्रेन्स एंड सो आर कॉल्ड फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। राइबोसोम्स जो हैं वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं होते, डैट्स वाई ये प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होंगे, यूकैरियोट्स एज वेल एज इन प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर स्लाइटली लार्जर देन प्रोकैरियोटिक वंस। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स स्मॉल जो हैं वो बड़े होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। ऐसे राइबोसोम्स जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स या ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। सो ये हमारे पास, हमने इनकी कंपोजिशन देखी एंड इनका साइज देखा राइबोसोम्स का। नेक्स्ट अब हम स्ट्रक्चर को देखते हैं कि हमारे पास जो राइबोसोम है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो बेसिकली टू यूनिट से मिलके बने होते हैं राइबोसोम। एक राइबोसोम जो है टू सब यूनिट पे कंसिस्ट करता है। ऊपर आपको नज़र आ रहा है लार्जर सब यूनिट और नीचे स्मॉलर सब यूनिट है। ये दोनों सब यूनिट्स मिलके राइबोसोम बना रहे होते हैं, डैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। नेक्स्ट अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ राइबोसोम। बेसिकली राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री का नेम भी देते हैं बिकॉज इट प्रोवाइड द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है सेल के अंदर, वो किस में अकर होता है, राइबोसोम्स में। यानी कि राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं, प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू सेल्स एंड सो लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड थ्रू आउट सेल। इस वजह से सेल के अंदर बहुत ज़्यादा राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि इनका फंक्शन है कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं और प्रोटीन की सिंथेसिस सेल के लिए बहुत ज़रूरी होती है। व्हेन राइबोसोम्स आर नॉट वर्किंग, जब राइबोसोम्स वर्किंग नहीं करते, इट डिसेबल्स इनटू स्मॉलर यूनिट। ये छोटे यूनिट्स में, स्मॉलर यूनिट में डिवाइड हो जाते हैं, डिसअसेंबल हो जाते हैं, सॉरी। सो ये बेसिकली हमने राइबोसोम्स के बारे में डिस्कस किया, उसके डेफिनेशन को देखा, कंपोजिशन को देखा, उसके साइज को देखा, स्ट्रक्चर पे बात की, देन हमने फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट अब हमारा जो एक स्मॉल टॉपिक है डैट इज़ साइटोस्केल्टन। साइटोस्केल्टन को हम देखते हैं कि हमारे पास साइटोस्केल्टन क्या है। सो नेक्स्ट अब हमारे पास है साइटोस्केल्टन। साइटोस्केल्टन को अगर हम डिफाइन करें प्रॉपरली, सो बेसिकली साइटोस्केल्टन इज़ अ नेटवर्क ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलके साइटोस्केल्टन बना रही होती है। साइटोस्केल्टन सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे लाई करती है, किसी भी सेल के। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, इस सेल की सेल मेम्ब्रेन की साइड्स पे माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगी जो के साइटोस्केल्टन बना रही हैं, डैट इज़ द साइटोस्केल्टन। इसमें ये माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं। जो थिन हैं वो क्या हैं, माइक्रोफिलामेंट, और जो थोड़ी थिक हैं, मोटी हैं, वो हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। सो इस तरह से ये साइटोस्केल्टन जो है वो सेल के अराउंड इसकी फॉर्मेशन होती है, ये बनता है। अब हम बात करते हैं माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स की।
जिनकी मदद से, जिनकी दोनों की वजह से साइटोस्केलेटन बन रहा है। माइक्रोफिलामेंट जो हमारे पास है, बेसिकली इसकी जो फॉर्मेशन है ये किससे मिलके बनी होती है? एक्टिन प्रोटीन से। माइक्रोफिलामेंट एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन से मिलके बने होते हैं जिन्हें हम एक्टिन का नेम देते हैं, और ये थिनर होते हैं, बारीक होते हैं एज़ कम्पेयर टू माइक्रोट्यूब्यूल्स। और माइक्रोट्यूब्यूल्स एक स्पेशल प्रोटीन से मिलके बनी होती है, डैट इज़ ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन जो है प्रोटीन है जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाएगी, और ये थिकर होगा एज़ कम्पेयर टू माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर थिकर देन माइक्रोफिलामेंट, एंड माइक्रोफिलामेंट आर थिनर देन माइक्रोट्यूब्यूल्स। सो ये हमारे पास थिन स्ट्रक्चर होता है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो थिक होता है। सो अगर हम इनके फंक्शन को अब डिस्कस करें तो बेसिकली एक्टिन जो है हमारे पास, जो माइक्रोफिलामेंट्स बना रहे हैं, ये क्या करते हैं? ये सेल की शेप को चेंज करने में हेल्प करते हैं, ओके? और नेक्स्ट अब हमारे पास है ट्यूबुलिन जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स बना रही हैं। इसके मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सिलिया एंड फ्लेजेला भी बनाते हैं ट्यूबुलिन, यानी कि सिलिया एंड फ्लेजेला क्या है? ये दोनों जो है लोकोमोशन में इन्वॉल्व होने वाले सेल के स्ट्रक्चर हैं जो कि लोकोमोशन करवाते हैं, और इनकी फॉर्मेशन के अंदर भी ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होगी। सो ये हमारा साइटोस्केलेटन के बारे में शॉर्ट सा एक टॉपिक था, और हमारा होल लेक्चर था ऑन राइबोसोम्स एंड साइटोस्केलेटन। होप सो कि आपको दोनों जो टॉपिक हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन या कोई कन्फ्यूजन है रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट और लेक्चर, यू कैन आस्क इन कमेंट, आई विल आंसर यू इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।